हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और कल की डेट में यहाँ पर चार वीडियो से रिलेटेड हमने यहाँ पर बातें करी थी तो अगर हम देखें तो मोस्टली शेयर यहाँ पर भागते हुए दिखाई दिए देखिए हमने यहाँ पर ब्रेकआउट स्टॉक से रिलेटेड बातें करी अंबर इंटरप्राइज बी एस दोनों भागते हुए दिखाई दिए एज वेल एज कुछ आई स्टॉक भी भागते हुए दिखाई दिए और अगर हम देखें तो एग्जारो टाइल्स भी कुछ भागा है और रूट मोबाइल ने भी अच्छी खासी यहाँ पर जंप लगा के नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया तो ये इसी तरीके से डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं बट डेली बेसिस पे के हिसाब से नहीं थोड़ा सा तो लंबा खेलेंगे तो अच्छा खासा हमारा स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से अगर खेलेंगे तो पैसा बनता हुआ नजर आएगा जो टारगेट है वो अचीव होते हुए नजर आएंगे तो इसी तरीके से अगर आपको स्टॉक्स जानने हैं हमसे पर्सनली यहाँ पर तो देखे सिखाए जाते हैं नो डाउट ओके यहाँ पर आप जाइए वीडियोज देखिए लास्ट तक वीडियोज देखिए डेली वीडियो आती है सीखिए समझिए और प्ले को गो थ्रू करिए बट अगर किसी को पर्सनली क्योंकि डेली वाइज कुछ स्टॉक्स होते दे हैं जिनके कुछ स्टॉक्स के ऊपर हम बता देते कुछ शॉक्स के रिलेटेड बातें नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम लैकिंग बट अगर हम बात करें व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में पिंग करिए हमारी सर्विस से रिलेटेड जानकारी देगी बहुत नॉर्मल चार्जेस तो की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, है। well हाइकल हाइकल से रिलेटेड हम बातें करने वाले क्यों बातें करने वाले इसके फंडामेंटल फाइनेंशियल सारी चीजें हम समझते हुए नजर आएंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फोर एवर जो आपका खुद का चैनल सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाइक करें कमेंट करें शेयर करें दूसरे लोगों के साथ और हमें जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए तो आइए वीडियो की तरफ सबसे पहले जिस स्टॉक से रेटी हम बातें कर रहे हैं उसके बारे में अगर हम देखें तो देखिए पांच सौ सत्रह शेयर चल रहा है आज मैं ऑर्डर लगा के बैठा था बट वो ऑर्डर हिट नहीं हुआ कल की डेट में आई विल ट्राई टू बाय बाई पर्टिकुलर स्टॉक अगर हम आज की डेट में देखें तो देखिए फोर्टी एट परसेंट की डिलीवरीज उठाई गई है कंपनी इन्फॉर्मेशन में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर तो देखिए कंपनी डिविडेंड भी अच्छा तो खासा यहाँ पर देती हुई नजर आ रही है दो बार डिविडेंड यहाँ पर दे चुकी है फरवरी में और यहाँ पर अगस्त तो में दे चुकी तो है रिजल्ट की बात करें अभी पांच अगस्त को रिजल्ट आया था तो यहाँ पर इस बार में या लास्ट नेक्स्ट क्वार्टर में सॉरी नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट मंथ में इसका रिजल्ट आता हुआ दिखाई देगा तो कभी भी इसका रिजल्ट भी अनाउंस हो सकता है तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा तो बट रिजल्ट से पहले यहाँ पर मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत अगर गेन चाहिए तो वो तो मिलता ही नजर आएगा बट एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ये शेयर देता हुआ नजर आ रहा है क्यों क्योंकि सत्रह अगस्त को ये शेयर सात रुपए पे था और अभी यहाँ बात करें पांच सौ रुपए तो गई, दो सौ तीस रुपए के आसपास के देखेंगे, बोनस दे, दे, दे चुका है, दो हजार दो हजार में दिया दो हजार तीन में दिया में दिया 2018 में रिसेंट अगर वो बोनस दिया वन टू वन टू वन वन का एज वेल स्प्लिट की बात करें तो एक बार 2015 में स्प्लिट भी तो कंपनी अच्छा खासा स्प्लिट बोनस सब कुछ देती हुई नजर आती है डिविडेंड की बात करें कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी देती हुई नजर आती है और कंपनी है क्या कंपनी का नाम क्या है तो हाईकल इस कंपनी का नाम है

महाराष्ट्र में ओके ये पनवेल के पास तो रेवेन्यू तो भी आता हुआ नजर आता है, और, एक, और वो बहुत सारी चीजें जानने के लिए इनकी वेबसाइट को विजिट करिए तो आपको पता चल जाएगी कि कंपनी देखिए फार्मा क्रॉप प्रोटेक्शन रिसर्च टेक्नोलॉजी स्पेशलिटी केमिकल्स में कंपनी काम करती तो हुई नजर आती है और भी अगर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इनकी

तो कंपनी की तरफ बिलीव कर सकते हैं देख सकते हैं इस कंपनी को एज वेल एज यहाँ पर अगर हम एक बार कंपनी के बिजनेस मॉडल में समझ में आ गया कि फार्मा और केमिकल्स दोनों ऑलरेडी चल भी चुके हैं बहुत ज्यादा और ये कम, ये ऐसे काम है जो हमेशा चलते रहते हैं लोगों को हमेशा दवाइयों की जरूरत रहती है क्रॉप हमेशा होती रहती है तो क्रॉप प्रोटेक्शन में भी ये कंपनी काम करती है तो वो भी तो ऐसा नहीं है कि एक बार आ, जैसे की कोरोना आया तो उसी की वजह से ऐसा नहीं है उससे पहले भी कंपनी काम करती हुई नजर आई है जैसे कि अगर मैं यहाँ पर मैक्सिम चार्ट पैटर्न दिखाऊँ तो मैक्सिम चार्ट पैटर्न में आपको समझ में आएगा देखिए कंपनी यहाँ पर एक साइड पे जोन फिर इसके बाद अच्छा खासे इसने यहां पर जंप लगाया फिर एक कोरोना की वजह से यहाँ पर नीचे आई और फिर उसके बाद एक जोन और 2021 में 19 मार्च से लेके अभी तक कंपनी का शेयर अच्छा खासा यहाँ पर भाग चुका है बट यहाँ पर फाइनेंशियल की बात करें मार्केट कैप छह करोड़ का मार्केट कैप है पी थर्टी सेवन का पी ए आर ओ सी आर ओ यहाँ फिफ्टीन का डेट भी है कोई प्लेजिंग नहीं है यहाँ पर फेस वैल्यू दो का है और कंपनी यहाँ पर जिस तरीके से डिविडेंट और 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 एज वेल एज यहाँ पर स्प्लिट एंड बोनस सब चीज देती हुई नजर आती है तो आई डोंट थिंक सो कि ये कंपनी बेकार है ये कंपनी काफी बेहतरीन यहाँ पर नजर आती है इसके अलावा कुछ और पैरामीटर की बात करें तो कंपनी की अगर आप रिजल्ट की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर अपसाइड एड डाउंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं बट दिसंबर दो के बाद कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है लास्ट क्वार्टर कंपेरिजन में थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दिया है पर यहाँ पर सेल्स बट बात करें ओवरऑल प्रॉफिट की तो कंपनी का प्रॉफिट की अगर हम देखते हैं तो पिछले दो तीन क्वार्टर से हाईएस्ट टाइप ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट किया है जो कि बताते हैं कंपनी अच्छा खासा बिजनेस कर रही है ईयरली बेसिस पर भी अगर हम देखें तो देखिए एक अच्छी खासी ग्रोथ है पांच सो उन्तालीस पांच सौ दो सात सौ ओके आठ सौ फिर उसका नौ सौ हजार बारह और पिछले बारह महीने की अठारह करोड़ रुपए के आसपास की सेल्स है नेट प्रॉफिट सात करोड़ का आज के पिछले बारह महीने में, में हाईएस्ट एवर वन सिक्सटी नाइन तो यहां पर ईयरली बेसिस पर तो देखिए कंसिस्टेंट ग्रोथ है ही क्वार्टरली बेसिस पर भी ग्रोथ है तो जब यहाँ पर दोनों चीज हमारे फेवर में होना क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे तो ऐसी कंपनी को हमें छोड़ना नहीं चाहिए और कब जब कंपनी का शेयर लगभग फोर्टी परसेंट हो तो यहाँ पर कुछ और चीजों की बात करें रिजर्व की तो रिजर्व देखिए यहाँ पर नौ नौस करोड़ के रिजर्व है बोरिंग की बात करें बोरिंग यहाँ पर देखिए कम होती नजर आई है लगभग इन्होंने थर्टी सिक्स करोड़ की, की बोरिंग एक साल में कम करी है वर्किंग uh, प्रोग्रेस की अगर बात करें लगभग दो करोड़ रुपए यहाँ पर वर्किंग प्रोग्रेस

एज वेल एज यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करेंट सेवन परसेंट की होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर्स के पास है यहाँ पर ये यह पर्टिकुलर इनके प्रमोटर्स हैं यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ट्रस्ट है कुछ लोग हैं एज वेल एज बात करते हैं एफ की होल्डिंग एफ आई की होल्डिंग ने पहले यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी फिर लास्ट क्वार्टर के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर ये यह जो है सब जून तो सेप्टेम्बर का भी यहाँ पर दिखाने रखा है वो जल्दी अपडेट हो जाएगा बट फिर भी देखें तो एफ ने होल्डिंग यहाँ पर कम करी है लगभग डेढ़ डी की बात करें डी की होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ी है और यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है तो पब्लिक की होल्डिंग कितनी है ट्वेंटी सिक्स परसेंट ट्वेंटी सिक्स में से ही बात करें यहाँ पर एक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड है इनके पास वन पॉइंट सिक्स टू परसेंट की होल्डिंग है तो लगभग दो परसेंट एक पर यहाँ पर घटाते हैं तो पच्चीस परसेंट चौबीस परसेंट समथिंग यहाँ पर होल्डिंग नजर आती है किसकी यहाँ पर नजर आती है नॉर्मल पीपल की आ, रेटे की रिटेल इन्वेस्टर्स पर बड़े बड़े लोग और सब कुछ यहाँ पर नजर आएगा आशीष कचौलिया जाने माने इन्वेस्टर भी कभी यहां पर इन्वेस्टेड थे जिन्होंने अपनी होल्डिंग यहाँ पर कम कर लिया ओके बट किसी को फॉलो नहीं करना होता तो अब हम बात करते हैं हाईकल की तो हाईकल देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड बेस्ड जोन उसके बाद मार्च में इन्होंने एक अच्छी खासी जम और शेयर अच्छा खासा यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया बट अगर हम देखें तो हाईस्ट लेवल्स के रिजल्ट क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे आते हुए दिखाई दी है तो यहाँ पर शेयर अगर हम देखते हैं तो कितना परसेंट डाउन है इसके ऑल टाइम हाई से अगर हम देखते हैं तो शेयर लगभग कितना फोर्टी थ्री परसेंट डाउन है जब ऐसे शेयर फोर्टी थ्री परसेंट डाउन हो ना तो और जब बहुत सारे फोर्टी थ्री परसेंट डाउन हो एज वेल एज आर एस आई यहाँ पर ट्वेंटी एट परसेंट यहाँ पर जो चेंज हो रही है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ट्वेंटी एट की आर एस आई ओके एज वेल एज यहाँ पर फिफ्टी डीएमए और टू हंड्रेड डीएमए के बीच में ये शेयर ट्रेड कर रहा है तो ये सारी सारी चीजें बताती है कि यहाँ पर से थोड़ा सा रिवर्स हो सकता है लगभग ट्वेंटी परसेंट के गेन हमें यहाँ पर मिल सकते हैं और इसके रिजल्ट शायद इस महीने के लास्ट में या अगले अगले महीने आ सकते हैं और जैसे यह, यहाँ पर रिजल्ट आने होंगे तब तो और शेयर यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा तो फोर्टी शेयर डाउन है यहाँ पर फोर्टी का अपसाइड्स है ओके okay, और यहाँ पर कभी भी इस शेयर ने 50 डीएमए इस जब भी नीचे आया है तो यहाँ पर हमेशा एक अच्छी खासी रैली आई है और फिफ्टी डीएमए को हमेशा रिस्पेक्ट किया है तो इस बार यहाँ पर फिफ्टी को तोड़ के नीचे आया है तो यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर फोर्टी थ्री परसेंट यहाँ पर अगर, अगर किसी के पास टाइम है तो शायद एक साल में भी अगर आ, यहाँ पर फोर्टी परसेंट आता है ना तो काफी बेहतरीन रिटर्न माने जाते हैं तो यहाँ पर एक साल के लिए रुक सकते तो रुक रुकी अदरवाइज जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक यहाँ पर इस शेयर को यहाँ पर बाई करके रख सकते हैं शायद आपको फिफ्टीन से ट्वेंटी का रिटर्न तब तक मिलता हुआ नजर आ सकता है की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने शेयर पर खुद की स्टडी करनी है और जब भी वॉल्यूम आएंगे तो देखिए जब भी शेयर भागना होगा अच्छे खासी वॉल्यूम आते हुए दिखाई देंगे अभी भी वॉल्यूम है बट इतने वॉल्यूम नहीं है जितने यहाँ पर थोड़े पहले थे और यहाँ पर देखिए अच्छा खासा मुझे तो यहां पर शेयर ये नजर आता है बट अपने फाइनेंशियल शेयर को खुद की स्टडी करना है और हमारी वीडियोज को लाइक करना है कमेंट करना है शेयर करना है दूसरे लोगों को बताना है हमारे चैनल से रिलेटेड हमारे वीडियोज से रिलेटेड प्ले को गो थ्रू करना है हमें कॉन्टेक्ट करना है तो व्हाट्सअप नंबर है पिंक करिए शेयर करिए हमारे हमें जितना हमारी सपोर्ट हो सके उतना सपोर्ट करिए सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस